कर्नाटक विधानसभा चुनाव। बीजेपी कांग्रेस ने अपने तर्कश से सारे तीर छोड़े, लेकिन बीजेपी के सबसे बड़े हथियार मोदी का मुकाबला नहीं। क्या कांग्रेस मोदी का मुकाबला कर पाएगी? क्या मोदी कर्नाटक में बीजेपी की हार को जीत में बदल देंगे? नमस्कार, मैं दबांजलि मोइत्रा। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने लगभग 9 साल हो गए, लेकिन अभी तक उनकी टक्कर का नेता विपक्ष पैदा नहीं कर पाया। यही कारण है कि आलोचक आज भी उन्हें अजेय मानते हैं, और बीजेपी जब भी मुश्किल में होती है तो मोदी को सामने कर देती है, और उस तूफान को मोदी झेल लेते हैं और बीजेपी आगे निकल जाती है। अब एक बार फिर कर्नाटक चुनाव को लेकर लोग कह रहे हैं कि बीजेपी मुश्किल में है। तो सवाल है कि क्या इस बार मोदी बीजेपी को जिता पाएंगे? देखिए ये रिपोर्ट। जब भी विधानसभाओं के चुनाव होते हैं तो सर्वे हमेशा उल्टा चलते हैं और बताया जाता है कि बीजेपी हार रही, लेकिन जब मोदी उस इलाके में पहुंचते हैं और रैली करते हैं तो सारा पासा पलट जाता है और विपक्ष हाथ मलता रह जाता है, बीजेपी बाजी मार लेती है। जानकार कहते हैं कि मोदी का जादू भारत की जनता के सिर चढ़कर बोलता है। अब एक बार फिर सारे सर्वे कह रहे हैं कि बीजेपी कर्नाटक में चुनाव हार जाएगी, लेकिन तभी बीजेपी ने कर्नाटक में मोदी की 22 रैली कराने का फैसला किया। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राहुल गांधी को कांग्रेस हमेशा मोदी के सामने पेश करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बीजेपी की सरकार कई समस्याओं को ठीक से निपटाने में नाकाम रही, लेकिन मोदी सरकार राजनीतिक मोर्चे पर समस्याओं से नहीं जूझ रही, इसीलिए राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी नेता के लिए उन पर भारी पड़ना आसान नहीं होता। जानकारों की माने तो मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर समस्याओं में घिरी हुई है, और ये समस्याएं बहुत ही जटिल हैं। कहा जा रहा है कि आर्थिक मोर्चे पर ये समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि पीएम मोदी चाह कर भी कोई निदान नहीं ढूंढ सकते, लेकिन जब भी चुनाव आते हैं बीजेपी ही जीतती। आर्थिक राजनीतिक विश्लेषक पीएम मोदी को लेकर एक बात पर सहमत है, वो ये है कि 2014 में अच्छे दिन के वादे के जरिए सत्ता पर काबिज हुए थे और 2020 में आत्मनिर्भर का नारा दे रहे हैं। मोदी को अब भी एक मजबूत और लोकप्रिय नेता माना जा रहा है। ऐसी छवि बनी है कि वो कड़े फैसले लेने में हिचकते नहीं और नई लीग बनाने की भी कोशिश करते हैं। मोदी इस बात से भी बेफिक्र रहते हैं कि जिस राह पर चलने का फैसला किया वो कहां जाएगी और क्या क्या नतीजे मिलेंगे। अपने दूसरे कार्यकाल के बाकी साल पीएम मोदी इन छवियों के साथ आगे बढ़ते दिखेंगे, जिसकी झांकी पहले साल में दिख चुकी है। कश्मीर में अलगाववाद और विद्रोह को चारा मुहैया करने वाले अनुच्छेद 370 का खात्मा सरकार ने ऐसे ही किया। इसके साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो सबसे बड़ा हथियार होगा वो राम मंदिर, जिससे बीजेपी चुनाव जीतना चाहेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या कर्नाटक में 6 दिनों में बीजेपी 22 रैलियां करके चुनाव जीत जाएगी? सर्वे की माने तो कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा 107 से 119 सीटें कांग्रेस के पाले में जा सकती है। बीजेपी को 74 से 86 सीटें मिल सकती हैं और जेडीएस के खाते में 23 से 35 जा सकती है। वहीं अन्य को 0 से 5 सीटें मिलती हुई दिखाई गई। बीजेपी को विश्वास है कि मोदी की रैली से सारा खेल बदल जाएगा और बीजेपी की ही सरकार बनेगी। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। राज्य की राजनीति पर नजर डालें तो जिन कोर वोटर लिंगायत पर बीजेपी का फोकस है और जिनकी वजह से येदियुरप्पा कर्नाटक में बीजेपी के लिए अजेय बने, उन्हीं लिंगायतों पर एक बार फिर बीजेपी ने भरोसा जताया। कर्नाटक की कुल आबादी में 16 से 17% लोग लिंगायत समुदाय के, इसी समुदाय से बीएस येदियुरप्पा भी आते हैं। ये समुदाय राजनीतिक रूप से काफी जागरूक है और इनमें से एक वीरेंद्र पाटिल कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कर्नाटक के जानकार कहते हैं कि इस समुदाय का साथ जिस भी राजनीतिक दल को मिल जाता है उसके लिए सत्ता का रास्ता आसान हो जाता है। इनका वर्चस्व मुख्य तौर पर कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में, जहाँ से बीजेपी को काफी फायदा मिलता है, लेकिन इस बार लिंगायत मतदाताओं को रिझाने में जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी के कई राजनेता पार्टी छोड़ चुके हैं, ऐसे में बीजेपी सीधे मोदी पर भरोसा जता रही, और इसी कारण बीजेपी कर्नाटक के हर विधानसभा तक पीएम मोदी की बात पहुंचा रही। अब देखना होगा कि आगे 13 मई को क्या होता है और इसका कितना असर बीजेपी पर पड़ता है
और कितना नुकसान बीजेपी का होता। लेकिन एक बात तो तय है कि मोदी के सामने विपक्ष बौना, और विपक्ष कितना मोदी को रोक पाता है ये देखना होगा।